अस्सलाम वालेकुम बात रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी सलाम जी, बात कीजिए। जी हजरत जी, और हमारे एक खाला का मसला है, उन पर जिन हाजिर है, तो उनका इलाज जारी है, लेकिन उनको कुछ जैसा ये गैर जो प्रोग्राम्स होते हैं, कभी जैसा मावस का दिन है या फिर कुछ ऐसा रहता है जो दिवाली वो रहती है, तो उनको रोना आता है। और जैसे तीन मसले उनके रोना आता है उनके, एक दूसरे है कि उनको ऐसा दिखता है कि पेशाब हो गया जैसा, उनको ये बार बार किससे पूछते रहते हैं। वर्जू सुनिए, भी करते हैं तो तीन चार मरतबा, समझो तीन मरतबा ही धोना है ना, तो चार पांच मरतबा धो लेते हैं, फिर बोलते हैं मैंने सही तरह से नहीं अब की, तो सुनिए, ये वसवसे उनको आते रहते हैं, अब मैं तो बात उनका क्या करूं। मसला है जैसा उनके लिए कुछ बता दें। एतवार के दिन आपने बेरी के दरख्त के 40 पत्ते लेने हैं और हर पत्ते के ऊपर पहला कलमा 3 बार पढ़े और उनको पानी में उबाल के उसी पानी से गुस्ल कराएं, आप भी, नाना भी, घर के तमाम अफराद भी। कुछ अर्सा लगातार ये वजीफा, ये अमल करें, क्योंकि हर बेरी के दरख्त पे जिन्नात जरूर रहते हैं। कभी भी नापाक जिन्नात बेरी के दरख्त पे नहीं रहेंगे, क्योंकि सिदरा बेरी है और जन्नत का दरख्त है। फर्क इतना है कि जन्नत में इसमें कांटे नहीं होंगे और दुनिया में कांटे हैं। तो यही अमल आप मुसलसल करें, जो इससे पहले जो अबकरी के वजायफ कर रहे हैं उनकी भी इजाजत है। मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। आप कुछ ऐसा करें और इन हजरात को भी कहें, बकरी से क्या पाया। जी, बहुत सारा हमारे मसाइल हल हुए। पहले तो जो तो हमारा हमने या काबिज़ का अमल किए थे, तो हमारा मिसकैरेज हो जाते थे बार बार, तो हाँ, माशाल्लाह से अभी प्रेगनेंसी है, और अगर जो हमारे लिए दुआ भी फरमाएंगे। ये या काबिज़ों का अमल कितनी जी दफा पढ़ा, तो आपकी जो मिसकैरेज हो जाते थे कितनी बार पढ़ा, क्या तरकीब है इसकी। जी हजरत जी, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम, और 101 मरतबा, समझो 101 मरतबा पेट पर हाथ रखकर अमल किए थे बार बार, जब भी जैसा जहन में आ जाता तो फिर वो कर देते, जैसा हाथ रख के पेट पर दम करते। जिसका भी मिसकैरेज हो जाता हो या जिसका बच्चा न ठहरता हो, उसके लिए पेट पे हाथ रख के जो बंदा या काबिज़ों पढ़ेगा हर नमाज के बाद एक तस्बीह, उसका बच्चा नहीं गिरेगा। अल्लाह पाक उसको औलाद आफियत अता फरमाए।